नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक नए ब्लॉग में। ये तो बोलना ही था। आज है फ्राइडे। मैं अपना क्लास ख़त्म करके जा रहा हूँ वो ऑडिटोरियम जहाँ पे कल मैं टेडेक्स देने वाला हूँ, टेडेक्स का स्पीच देने वाला हूँ। वो इवेंट का वेन्यू में मैं जा रहा हूँ अभी। शायद मैं एक रिहर्सल करूँगा एक बार, उसके बाद घर जाके कल के लिए अच्छे से प्रिपेयर करूँगा। तो बने रहिए मेरे साथ, आज का ब्लॉग मज़ेदार, नॉस्टैल्जिक और ऐतिहासिक होने वाला है, हिस्टोरिक व्लॉग। तो बने रहिए मेरे साथ। मैं आ गया वहाँ से ख़त्म करके, थोड़ा खाना खाया, अभी मैं थोड़ा मुंह धो के आया और गमछा ये भाई, मैं अमेरिका आके टॉवल यूज़ करने नहीं लगा, चिंता मत कर। ये है पतंजलि का एलोवेरा जेल, केसर चंदन का। ये जब मैं इंडिया में था, मेरे पापा मेरे को एक बार लाके दिए थे, ऐसे ही कुछ एक सेमिनार वगैरह था उससे पहले लाके दिए थे, बहुत अच्छा काम किया था। तो मैं ये जब न्यूयॉर्क गया था लेके आया था। चिंता मत करो भाई, ब्रांड इंटीग्रेशन नहीं है। मेरा बहुत मन है कि कोई हो तो थोड़ा मैं भी ऐसा मामा अर्थ का प्रमोशन करूं, लेकिन लोग समझते कहाँ हैं। और इसको ऐसा थोड़ा शक्ल में लगाने का, लगा के छोड़ देने का। मैं आज रात को एक बार लगाऊंगा और कल सुबह, सो दैट शक्ल थोड़ा ऐसा चमकेगा, समझ रहे हो ना? चमकना भी चाहिए ना, ऐसा कल देखेंगे ऑडिटोरियम में, ऐसा बैठ के लोग देखेंगे, पूरा लाइट वाइट गिरेगा और बड़ा टुका लगना चाहिए ना। मॉर्निंग, आज है फाइनल डे, 5th of March, सैटरडे सुबह के 7:30। मैंने सुबह उठ के अपनी चैंटिंग करी और थोड़ी बाकी है उसको ख़त्म करना है। फिर मैंने मम्मा से बात करी और माँ कसम काफ़ी एक्साइटेड लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि मैं अपने सपने की नींद से उठा और अपने सपने में लैंड किया। यार इस दिन के लिए मेरा जो प्रिपरेशन है वो शायद 2 महीने का है, 18 मिनट के लिए 2 महीने का प्रिपरेशन है, लेकिन जो हार्ड वर्क है, जो मेहनत लगी है ये वो स्टेज तक पहुंचने के लिए, वो 5 साल की है। बहुत, और मुझे याद आ रहा है जब मैं अरमान के साथ एक बार लिंक रोड में स्कूटी चला रहा था, हम कहीं जा रहे थे, तो अरमान को मैं बोला कि बेटा अगर तेरा NIT राउरकेला हो जाएगा तो जाके वहाँ पे अच्छा थोड़ा यू नो ऐसा मामूल कर बनना, सो दैट मैं जब मेरा अच्छे सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे YouTube में, मैं आऊँगा वहाँ पे TEDx देने में, TEDx स्पीकर बन के आऊँगा। देखो भगवान ने बोला चलो बेटा इतना भी वेट करने की ज़रूरत नहीं, शुरुआत अपने कॉलेज से करो। तो काफ़ी बहुत बहुत ग्रेटफुल लग रहा है। चलिए आज का दिन शुरू करते हैं। मुझे 11 बजे तक वहाँ पर पहुँचने का है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए काम ख़त्म करते हैं और निकलते हैं। मैंने पूजा कर लिया, जो कि जैसे दिन को शुरुआत करनी चाहिए।
अभी मैं जाके तैयार होता हूँ क्योंकि मुझे 11 बजे पहुँचना है और 10:40 यहीं पे हो चुका है, मैंने रेडी होना शुरू भी नहीं किया। तो चलिए रेडी हो जाते हैं और मिलता हूँ आपसे। तो दोस्तों मैं अभी रेडी हो चुका हूँ और मैं निकल रहा हूँ अभी अपने वेन्यू के लिए जो गॉडेड ऑडिटोरियम है, कुछ ज़्यादा दूर भी नहीं, एग्जैक्टली मेरे सामने, मेरे रेसिडेंस हॉल के सामने। वहाँ पे जाके अभी हम ब्रंच करेंगे और फिर कुछ करेंगे, जो देखेंगे क्या करेंगे। काफ़ी एक्साइटेड लग रहा है, चलिए। तो ये है ग्रीन रूम, यहाँ पे माइक वगैरह सेट करके अगर मेकअप वेकअप कुछ लेना है लेके हम जा सकते हैं। मैं अभी ग्रीन रूम में आया अभी, लेकिन चलते हैं, कुछ खाना है नीचे, खाने का प्रबंध है तो जाके थोड़ा खाते हैं, पेट पूजा पहले, सबसे पहले, राइट। चलिए अभी मैं बैक स्टेज हूँ, अभी स्टेज का एक नज़ारा दिखा देता हूँ। Hello. Is it on? Hello. Yeah. This is pack 6. Hello. So it should be the second rack, number 2. Two on the second rack. It's 6. Hello. 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 So should I talk about my favorite food? So my favorite food is pokhara. Pokhara is a is an Indian dish. It's when rice is put inside water. It's very good for your health, and I love it. I have not got an opportunity to eat it after I came to US. So do I still need to speak more? food. memory. तो दोस्तों घड़ी आ पहुंची है जहां पे हमें अभी जाना पड़ेगा और जाके स्पीच देना पड़ेगा, सपनों का जो क्षण है उसको जीना पड़ेगा, जिसके लिए कई सालों से मेहनत करी जा रही थी और 2 महीने से प्रिपरेशन करी जा रही थी, वो दिन को, वो मोमेंट को जीने का समय आ गया है। सो विदाउट मच अडू चलिए चलते हैं और झंडा गाड़ के आते हैं। झंडा ऊँचा रहे हमारा, कर हर मैदान फतेह। और ज़्यादा बोलूँगा तो कॉपीराइट आ जाएगा।